नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट के मुताबिक अखिलेश यादव की करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है। तेज प्रताप अखिलेश के चचेरे भाई हैं। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। अजीत सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ से नसीम सोलंकी को सपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि प्रयागराज के फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। मिर्जापुर के मंझुआ से डॉक्टर ज्योतिबिंद को और अंबेडकर नगर की कटेहरी से शोभावती वर्मा को टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी ने 6 में से 4 सीटों पर पिछड़े और दलित उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 2 सीट पर मुस्लिम चेहरे को जगह दी है। आपको बता दें कि यूपी के 10 सीटों पर इस साल के अंत में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। सपा ने अभी 6 सीटों पर नाम फाइनल किए हैं, जबकि मीरापुर, कुंदर की गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट पर उम्मीदवारों के नाम होल्ड कर दिए हैं। गौरतलब है कि सपा ने जिन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी ने 2022 विधानसभा में जीत हासिल की थी। ये 2 सीटें हैं फूलपुर और मंझुआ। इन सीटों पर सपा के गठबंधन साथी कांग्रेस भी अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बाकी की 4 सीटों पर क्या फैसला लिया जाएगा। तो वहीं लखनऊ में ग्रेट ईस्टर्न कंपनी के वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 10 किलोमीटर दूर से ही धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था। वहीं आग की सूचना पर 4 फायर स्टेशन की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने के जद्दोजहद में जुटी हैं। आपको बता दें कि आग मड़ियाव इलाके में स्थित ग्रेटेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के वेयरहाउस में लगी। वेयरहाउस में वॉशिंग मशीन, फ्रिज सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान रखे हैं। गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कंप्रेसर फटने के तेज धमाके हो रहे हैं। इससे आसपास के लोगों में भय का माहौल है। आग बुझाने में दमकल की गाड़ियों के साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक मशीनें भी लगाई गई हैं। वहीं घटना की सूचना पर CFO मौके पर पहुंचे। उनका कहना है कि आग को नियंत्रित करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन गोदाम में मौजूद वॉशिंग मशीन, फ्रिज और कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कारण आग तेजी से फैल रहा है। धुआं अधिक होने की वजह से कार्य राहत कार्य में परेशानी हो रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। रिहायशी इलाके में चल रही एक गोदाम में आज भीषण आग लग गई। तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएंगे तो तस्वीरें आप देखेंगे मड़ियांव इलाके का जो रिहायशी इलाका है, उस रिहायशी इलाके में जो गोदरेज का गोदाम है, यहाँ पर अगर बात की जाए फ्रिज एसी समेत जो वॉशिंग मशीन का जो गोदाम था, उस गोदाम में पूरी तरीके से आग लगी हुई है। आग लगे हुए घंटा भर से अधिक समय हो गया है और जिस तरीके से आग लगातार विकराल रूप ले रही है, तो वहां पर अगर दमकल कर्मियों की बात की जाए तो वो लगातार जान जोखिम में डाल करके इस आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीर आप साफ तौर से देख रहे होंगे, दमकल कर्मी किस तरीके से धुएं के गुबार के बीच में यहाँ पर मौजूद है और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर अगर आपको दिखाएंगे गोदाम की, तो गोदाम के अंदर की भी आप तस्वीर देखेंगे और तस्वीरों में साफ तौर से जो धुआं देखेंगे, आग देखेंगे, आग की लपटें देखेंगे, उस लपटों के बीच जो सामान जल रहा है उसकी तस्वीरें देखेंगे। लेकिन अगर हम तीसरी तस्वीर दिखाएंगे तो जो फ्रिज है यानी कि जो गोदाम में रखा हुआ माल है वो जिस तरीके से जल चुका है और उसको निकालने के लिए यहाँ पर जो लोग है वो लगातार मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों की बात की जाए, जो स्थानीय पुलिस की बात की जाए, वो दमकल कर्मियों के साथ पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार यहाँ पर आग पर जो काबू पाने की बात की जाए उस पर लगातार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से गोदाम में आग लगी है, अगर बीते दिन की बात की जाए यानी कि एक दिन पहले की, तो एक दिन पहले भी जो इस सीतापुर रोड पर एक गोदाम है वहां पर आग लगी थी। वहां पर लगभग 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां 6 घंटे से अधिक समय तक आग पर काबू पाने का प्रयास करने में लगी रही। लेकिन अगर यहाँ पर गोदाम की बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रोलिक मशीन की आप देखेंगे, हाइड्रोलिक मशीन भी यहाँ पर लगी हुई है, वो भी उससे ऊपर से की जो तय है, अगर बात की जाए ऊपर से जो आग पर काबू पाने की बात की जाए उस पर पूरी तरीके से लगे हुए हैं। CFO की अगर बात की जाए
वो खुद यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये हम परिसर की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर गोदाम है और उस गोदाम में जो आग की तस्वीरें हैं उन तस्वीरों की साफ तौर से लपटे देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं, यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पर जो फैक्ट्री मालिक है, कर्मचारी है, वो भी यहाँ पर मौजूद है और उनके जो तस्वीरें वो यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर एक भय की बात की जाए, धुएं के गुबार के बीच आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर भी एक पूरी तरीके से भय का जो माहौल है वो बन चुका है और उस भय के बीच यहाँ पर आग पर जो काबू पाने की बात की जाए उस पर लगातार प्रयास भी करने में जुटा हुआ है दमकल कर्मी। लेकिन अगर सवाल यह है कि जिस तरीके से दमकल कर्मी आग के लपटों के बीच से जिस तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन जो रिहायशी इलाके में जो गोदाम चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन पर जो लगाम लगाने की बात की जाए जिससे आम जनमानस इस धुएं के गुबार के बीच भय के माहौल में व्याप्त है, उस पर किसी तरीके से लगाम नहीं लग पा रही। हमारे सहयोगी सतीश के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। तो वही महाराजगंज के भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर सुरक्षा बल के जवानों ने नेपाल से अवैध रास्ते से भारत में प्रवेश करते समय एक ब्राजील के नागरिक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए ब्राजील नागरिक के पास भारत में प्रवेश करने का वीजा और कोई और भी कई सारे वैध कागजात नहीं थे। मिली जानकारी के मुताबिक ब्राजील जोआकिम डॉस सैंटोस नेटा, जो पेशे से वेबसाइट डिजाइनर हैं और काम की तलाश में भारत से राजस्थान जाना चाह रहा था। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक ब्राजील नागरिक जोआकिम डॉस सैंटोस नेटो को हिरासत में लिया गया है। इसके जब पेपर को चेक किया गया तो इसके पास से पासपोर्ट तो मिला है लेकिन कोई वीजा उपलब्ध नहीं था। यह जानकारी मिली है कि यह नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। पूछताछ में इसके द्वारा अवगत कराया गया है कि ये काम के लिए कई देशों में भ्रमण करता है, इसी दृष्टिकोण से ये नेपाल से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था। चूँकि इसके कोई वैध कागजात वीजा संबंधी नहीं है इसलिए इसे थाना सोनौली पर एसएसपी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें अभियोग पंजीकृत करने के लिए बताया गया है। इसमें 14 विदेशी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।